यहाँ पर रात में ही मैंने दही बड़ा बना के रख लिया था जो ईद के लिए स्पेशली होता है, और साथ ही बर्तन सब भी मैंने निकाल लिया था, इसे भी क्लीन करके रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ दही बड़ा को मैंने दही में डाल दिया है, सेवइयां बन चुकी है, हर एक चीज कट लिया। यहाँ पर चिकन चाप, चिकन कबाब बन रहा है तो उसे भी थोड़ा सा प्रिपरेशन, ये सब मॉर्निंग का काम बता रहे हैं। और यहाँ पे छोला बन चुका है और यहाँ पे चाप भी तला रहा है, साथ में कबाब के लिए सब हल्का हल्का करके रख रहे हैं। ये सब मॉर्निंग में उठ कर करीब 4 बजे भोर में सब कर लीजिए। यहाँ मेरा बना हुआ है कस्टर्ड पुडिंग और यह है लवरेज सहरिन, जिसे बना कर मैंने फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए, ताकि जिस हम दे गेस्ट को तो सारे सामान ठंडा मुझे मिले। और खाने में ये बहुत ही लाजवाब था, मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई लेकिन ये डिश बहुत ही लाजवाब बनता। तो लवरी सेरिन में जाने के लिए यहाँ पर जेली बना रहे थे, जेली मैंने यहाँ पर सेट हो चुका था, चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। और वाकई में जब जेली कट करने में बहुत ही मजा आता है, इसे जब कट कीजिए और इसे निकालिए तो जैसे लगता है रूबी या डायमंड के जैसा लगता है देखने में, सेब इसका बहुत ही मजेदार लगता है। और ये जब लवरी सेरिन में जाता है तो इसका टेस्ट और भी 4 गुना बढ़ा जाता है। यानी आप इसे डेकोरेशन कीजिए, इसके अंदर डालिए या किसी तरह, तो बच्चे लोग को यह खासकर पसंद आता है। और अब देखिए कितना अच्छे से लग रहा है कि डायमंड साइज हो गया, अच्छे से सेट करके मैंने बनाया था, ये रेडीमेड लेके आए थे और उसे मैंने सेट करके बना लिया। तो ये सारा चीज कर लिया मॉर्निंग में ही है, करीब सुबह मॉर्निंग में हम सिर्फ 4:30 बजे उठे थे और उस टाइम से ये सारी तैयारी। देखिए ईद में हमारे यहाँ पास खास करके आ जाता है ये पिज्जा बॉलों में लगाने के लिए, चलिए इसे भी हम लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ये हो चुका ठंडा, फ्रिज की वजह से थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो चुका है, लेकिन अच्छा लगेगा है ना बाद में कैरी करते हुए। कौन कौन लोग ईद में गजरा लगाते हैं मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता और बेली भी फूल का बहुत अच्छा था, ताजा फूल की माली ला के दे जाती है और अच्छा लगता है लगाते हुए। तो चलिए आपको हम अपना लिविंग रूम दिखा देते हैं, ये रहा मेरा लिविंग रूम, अब कम डाइनिंग हॉल भी है। तो इस बार ईद के लिए मैंने यही थीम रखा था, गोल्डन ही मेरा थीम था, गोल्डन एंड येलो का। तो थोड़ा सा चेंज तो दीवार नहीं किया, सिर्फ पर्दा और सोफे का जो थ्रो होता है उसे ही चेंज किया था, बाकी भी सब वही था। और जैसे पर्दा मैंने ब्लैक आउट पर्दा लगाया था ताकि रोशनी और धूप की गर्मी थोड़ा कम आए मेरे लिविंग रूम में। और डाइनिंग टेबल तो जस्ट सटा हुआ ही है सामने से, तो बहुत गर्म हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी चेंजिंग करके मैंने अपने रूम को यानी लिविंग रूम को थोड़ा सा चेंज किया था। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरी लिविंग रूम और कम डाइनिंग हॉल का ये एरिया। अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि सारी चीज मेरे गोल्डन से ही, थोड़ा सा ऑफ वाइट मैंने गोल्डन करके ही लिया हुआ था, और जो लाइट सही से प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा कैमरा पता नहीं क्यों अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा। तो यहाँ पर मेरे हल्का लाइट का समर के हिसाब से ही मैंने चेंजिंग किया था रूम का, और उसके हिसाब से तो दिख रहे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, कैमरा उतना अच्छा से कैच नहीं कर रहा है लेकिन सामने से अगर दिखने से ना बहुत ही अच्छा लग रहा था दिखने में मेरा लिविंग रूम। और हम अगली बात करने की कोशिश करते हो तो लैला बस चालू हो जाती है अपना देने के लिए कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझसे भी बात कर लो। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आज ये आप भी हमारे साथ सेवइयां खाने के लिए ईद का, बस ये छोटा सा तैयारी मैंने किया है अपने घर में ईद के लिए। और 2 साल के बाद इस तरह से ईद मनाने बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 साल जब भी ईद मनाए तो 2 साल कोरोना लेकर के थोड़ा सा गेट टुगेदर रहा, लेकिन आज तो पूरी फैमिली के साथ गेट टुगेदर रहेगा, यानी लोग मिलने जुलने वाले आते जाते रहेंगे। इस बार किसी को ना मनाही के नहीं होगा कि भाई कोरोना है थोड़ा कब आइएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस बार दिल खुल के आइएगा, दिल से मिलेंगे सभी से। यहाँ पर देखिए लग चुका है, आपको हम दिखा देते थोड़ा सा दही बड़ा, ये सीरा वाली सेवई और इसमें है छोला, बाद में और जो है कस्टर्ड पुडिंग और लवरी सेहरिन, वो सब ठंडा ठंडा ही सर्व होगा जो फ्रिज में आपको दिखा चुके हैं, तो जब गेस्ट आएंगे उसी टाइम निकाल। तो ओवरलुक मेरा यही है।
अभी हम बैठे थोड़ा सा सारे गेस्ट लोग जा चुके हैं और कुछ गेस्ट अभी आना और बाकी है। तो ईद का भी चल रहा है इसी तरह, सुबह से शाम हो गया और जब भी हम आपसे बात करने जा रहे हैं तो मेरी लैला आवाज़ देती रहती है हमेशा हर वक्त, और ज़्यादा ही मम्मी मम्मी करके आवाज़ दे रही है। तो जब आप बोलेगी ना लैला मम्मी तो आप खुद भी रिकॉर्ड करके हम सुनेंगे, क्योंकि जब भी हम क्या समय ले जाएंगे लैला बिल्कुल नहीं बोलती और खामोश हो जाती है। तो और सब जो भी है वो ठंडा सा अच्छा लगता है डिजाइन, तो जब खाने बैठेंगे तो वहां से निकाल निकाल के हम देते हैं। डर लगा रहता है कहीं जैसे बिल्ली ना आ जाए, इधर लैला और बिल्लू रहता है तो डर लगा रहता है कहीं जैसे बिल्ली आ जाती है, तो हमेशा उधर से कूद के बिल्ली है ना उसी सेट से आ जाती है से, और उधर से लाइट आने की वजह से तो सही से बिल्ली को सूट नहीं है। और इतना गर्मी शाम का टाइम हो चुका है, मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और अभी हम बना लेते हैं फातिया के लिए, फातिया कराने के बाद। और मेरा हालत देखिए कितना ख़राब है, दो तीन दिन से सोए नहीं है ठीक से, हम तो दो तीन दिन से सोए नहीं है और पूरा हालत ख़राब हुआ है। अब देखिए मेहंदी कैसा लगा है, मैंने सिर्फ और मेहंदी लगाया। तो ज़्यादातर हम इस ब्लॉग को कहीं छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बना लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपना मोबाइल को क्लियर करेंगे, मोबाइल में जितने भी बना हुआ पहले से वीडियो सही से ज़्यादा को हम ब्लीड बनाएंगे, उसके बाद अपने मोबाइल को हल्का करेंगे। अगर हम ब्लॉगर हैं तो ब्लॉगर होने के नाते मुझे अपने मोबाइल को एनी टाइम क्लीन रखना है, जो मैं नहीं रख पाती हूँ। तो अब कोशिश करना सबसे पहला काम वही करना है, इस पर सबसे पहले मोबाइल को क्लीन रखना है, यानी सारा जितना वीडियो बनाए सभी को डिलीट मारना है, जिससे कह रहे हैं अभी बिना रमजान का दो तीन वीडियो बचा हुआ है, तो जो हम ईद के बाद उसे हम लोड करेंगे। हम आपको देखिए रमजान के ईद के बाद तो क्या करेंगे, जो बना हुआ वीडियो उसे हम जाने देंगे नहीं, तो सोचते हैं उसे भी हम आप लोगों से डाल देंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से नहीं भी डाल पा रहे थे, लेकिन सबसे पहले उसे डालेंगे, वीडियो डिलीट करेंगे, सारे मोबाइल खाली करेंगे, उसके बाद से इंशाल्लाह एक नए सीरीज से एक नए तरीके से अपने ब्लॉग को हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम पहले बना लेते हैं ब्लॉग पोस्ट फातिया के लिए और फिर आपसे हम मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ईद के दिन शाम में फातिया होती है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, पुलाव और गोश्त, इसकी भी रेसिपी क्या देना। और ये तो अक्सर मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, बस थोड़ा सा आपको लुक दिखा दे रहे हैं, अभी चढ़ रहा था और बाद में हम आपको सूट करके भी नहीं दिखा पाए थे। यहाँ पर दम करने के लिए दम पर रख दिया है पुलाव को, और देखिए फातिया होने के बाद खाना देने के बाद अभी हम लोग डिनर कर लिया, ये लास्ट याद है कि चलिए थोड़ा सा दिखा देते कि यही खाना हम लोग का हो चुका है या जा चुका है। तो लास्ट अभी फुर्सत का टाइम मिला है, अभी हम आइसक्रीम खाने बैठे हैं डिनर करने के बाद, चलिए आप भी आ जाइए आइसक्रीम खाने।